बच्चों में श्वसन रोग बढ़ रहे हैं। भारत में अस्थमा की घटनाएं 2.18% कुछ साल पहले थी, लेकिन अब घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। इसी के मद्देनजर वरिष्ठ प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश देवपुजरे के संरक्षक के तहत नेल्सन अस्पताल बाल चिकित्सा पल्मोनोलॉजी विभाग शुरू कर रहा है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में डॉक्टर सतीश देवपुजरे ने दी है। शुरुआती चरण में बच्चों में अस्थमा का निदान महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह अनावश्यक उपचार से बच सकते हैं। इसके अलावा अस्थमा को प्रभावी दवाइयों के साथ नियंत्रित किया जा सकता है और बच्चों को बिल्कुल सामान्य जीवन जीने दिया जा सकता है। ऐसा करने का प्रयास में वरिष्ठ प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश देवपुजरी के संरक्षण के तहत नेल्सन अस्पताल बाल चिकित्सा पल्मोनोलॉजी विभाग शुरू कर रहा है। यह विभाग डॉक्टर विवेक चड्डे, एक प्रसिद्ध बाल चिकित्सा पल्मोनोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट द्वारा नेतृत्व किया जाता है। डॉक्टर चड्डे को बाल चिकित्सा पल्मोनोलॉजी और ब्रिटेन से बाल चिकित्सा गहन देखभाल में प्रशिक्षित किया गया है। वह यूरोपीय श्वसन समाज द्वारा अनुमोदित बाल चिकित्सा श्वसन दवा में यूरोपीय राजनयिक भी है। नेल्सन अस्पताल में बाल रोगी पल्मोनोलॉजी विभाग ब्रोंकोस्कोपी, PFT, फेनो, आवेग ऑसिलेटरी, एस्थमा क्लिनिक, स्लीप क्लिनिक और नींद अध्ययन जैसे विशेष सेवाएं प्रदान करता है। देखिए, बच्चों में जो सांस की तकलीफें हैं वो काफ़ी बढ़ रही है। बहुत से बच्चे आप अभी अगर देखेंगे अभी के प्रेजेंट समय में, तो बहुत सारे बच्चे को बहुत दिनों से बीमारियां चल रही हैं। ये इस कारण बच्चों का जो हेल्थ है वो कम हो रहा है। बहुत सारे आप सुनते होंगे कि बच्चों का वज़न नहीं बढ़ रहा है, बार बार सर्दी खांसी होते रहती है, स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल में प्रॉब्लम हो जाता है। तो कभी कभी इसका ओरिजिन पकड़ना और उसको बेस से ट्रीट करना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बच्चों में जो स्लीप का प्रॉब्लम जो बोल रहा हूँ मैं, वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। अगर मैं आपको एक परसेंटेज देता हूँ तो ऑलमोस्ट 20-30% बच्चों में किसी एक प्रकार की सांस की या फिर स्लीप की बीमारियाँ पाई जाती हैं। तो हमारा ये डिपार्टमेंट चालू करने का उद्देश्य यही है कि ऐसी बीमारियों को जल्दी पकड़ा जाए, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए और उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग के हिसाब से बच्चों को प्रॉपर सुविधा दिए जाए, ये हमारा उद्देश्य है। सो ये जो डिपार्टमेंट है, जैसे अभी मैं 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब हम शुरुआत किए थे ना तो 100 में से 2-4-5 लोगों को ये प्रॉब्लम था। आज की तारीख में 100 में से 30-40 लोगों के प्रॉब्लम है और हम लोग नसीबवान है कि नागपुर में ये चीज़ है। दिल्ली और बेंगलोर में ये तो 100 में से 60-70 बच्चों में प्रॉब्लम है। सो आप सोचिए, 100 में से 50-60 बच्चों में भी कोई प्रॉब्लम है तो इनका फ्यूचर क्या होगा, राइट? और मैं ये नहीं बोलूँगी सही टाइम है, हम ऑलरेडी काफ़ी लेट है और एनवायरनमेंट के बारे में हमने सोचना शुरू करना चाहिए। और ये सोच कहाँ से शुरुआत होगी? बच्चों से। जो डिपार्टमेंट है पल्मोनोलॉजी के, या जो वो बेसिकली एडल्ट्स के हैं, ओके? सो हमने ये सोचा कि इस डिपार्टमेंट में बच्चों में केंद्रित करें। सो डॉक्टर सरडे ये इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ट्रेंड है यूके से और मेरा एरिया रिसर्च का भी है। सो इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, फ्यूचर के दृष्टि से कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये सब ध्यान केंद्रित करने के लिए ये डिपार्टमेंट हम लोगों ने बनाया है। एग्जैक्टली, अभी हम जब बैठते ना ओपीडी में, हमको लगता है मॉडल ओपीडी में बैठे, मोटापा बढ़ गया, दमा बढ़ गया। और बच्चों में यदि हो रहा है ये, सो इनफैक्ट ऐसे कई डॉक्टर्स का कहना है कि लंग ट्रांसप्लांट ये मेजर ट्रांसप्लांट होने वाला है आगे 30-40 साल में। इसलिए सभी बाल चिकित्सा श्वसन समस्याओं को सही ढंग से निदान किया जा सकता है और विशेषज्ञ की देखभाल के साथ एक छत के नीचे का इलाज किया जा सकता है। पल्मोनोलॉजी विभाग का उद्घाटन 4 जून 2023 को किया जाएगा, जिसके निदेशक डॉक्टर अतु वैद्य मुख्य अतिथि होंगे, जो कि वैद्य पर्यावरण विज्ञान में अपने अग्रणी काम के लिए पूरे भारत में जाने जाते हैं। चेन्नई से प्रसिद्ध बाल रोगी पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विजयकर ने पिछले 40 वर्षों से बाल रोग श्वसन दवा में अग्रणी काम किया है, जो कि सम्मान के अतिथि होंगे। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उदय बोधनकर और डॉक्टर DN अग्रवाल भी इस अवसर पर सम्मान के रूप में अनुग्रह करेंगे। NBC न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।